पहले हम लोगों के समय में जब कब सम्मेलन होता था तो 10 बजे शुरू होता था और जब तक चिड़िया न बोल जाए तब तक कब सम्मेलन को सफल नहीं माना जाता था। बचपन की बात है जब इसने स्टार्ट किया था बिहारी लाल अंबर ने, हमारे बगल बैठे थे, इनको लग गई मैदान, 4 बज रहा था। तो ये संचालक को जो है वो उसके पर्यायवाची शब्दों और भावों से समझाना चाह रहे थे। अरे वाह 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 वाह। मगर संचालक भांग के नशे में, कि कवि अंबर मंच पर थे बेचैन, किसी तरह इनको नहीं आ रहा था चैन, दिशा लगने से इनके फूट नहीं रहे थे बैन, और दिशाहीन सा निकले जा रहे थे नयन। देखिए पहला जब स्टार्टिंग होती है तो श्रोताओं का लोभ संवरण बहुत करना पड़ता है, हम लोग बहुत झेले हैं मंचों पे शुरू में, कि कभी अंबर मंच पर थे बेचैन, किसी तरह इनको नहीं आ रहा था चैन, दिशा लगने से इनके फूट नहीं रहे थे बैन, और दिशाहीन सा निकले जा रहे थे नयन। इन्होंने संचालक को दो अंगुली दिखाया, इन्होंने संचालक को दो उंगली दिखाया, भरे मंच पर इन्होंने इशारे से समझाया, भांग भंगिमा में संचालक नहीं समझ पाया, अपनी बात से अंबर के इशारे को यूं दबाया कि कभी दो नहीं केवल एक कविता सुनाएंगे, जैसे आज ये लगाए हुए पाबंदी, क्या बात है, कभी दो नहीं केवल एक कविता सुनाएंगे, पक्षपात लगाएंगे। अंबर पेट संचालक को दिखाया, संचालक इनकी बात यह कहकर दबाया कि कविताएं निर्धारित कार्यक्रम से पढ़ी जाएंगी, इनके मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं आएगी। पेट दिखाने का समझ में नहीं आया कायदा, जबकि एक कविता हो चाहे दो, होना है उतना ही फायदा। अंबर संचालक की ओर ताक कर थोड़ा बिगड़े मूड से कांक कर बोले, संचालक जी मुझे निपटना है। भांग की आग में जलते संचालक फूटे, अबे निपटना है तो आ निपट, आजा 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 माइक के निकट। अंबर थोड़ा झुझलाए बोले, जी मुझे मैदान जाना है। संचालक गरमाए, पाकिस्तान की भूमिका मत निभाइए, पहले मंच पर निपटाइए, तदुपरांत मैदान में अपना जौहर दिखाइए। संचालक ने कविता पाठ है तीसी कवि को पुकारा, कवि ने अपने पेट को हल्के से पुचकारा, थोक में मिले श्रोताओं का लोभ संवरण कवि न कर पाया, अनमनस्क अवस्था में अपनी 4 लाइन ही सुना पाया। इसके बाद कवि वहां रुक नहीं पाया, इसके उठने पर लोगों ने एक गोल निशान पाया। एक लेट कवि इनसे रास्ते में टकराया, अंबर ने मंच तक पहुंचने का रास्ता यूं बताया कि मेरे पीछे ये जो लाइन आ रही है सीधे कभी मंच तक जा रही है, सकुचाइएगा मत, घुस जाइएगा, आप मेरा स्थान वहां खाली पाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा। देखिए अगर कोई काम आप नया करते हैं तो उसमें बड़ी गड़बड़ी आ जाती है। एक दिन मैं हमको पता नहीं कहां से खबर ले कि अंबर कभी जो है वो सिधर गए, मर गए मतलब। अब हम किसी के मरनी में गए ही नहीं थे तो हम प्लानिंग बनाने लगे रास्ते में, कि एक दिन हमने सुना अंबर कभी सिधर गए, बेवजह कल शाम को ही ये अचानक मर गए, हमने इनके घर किया प्रस्थान इस अंदाज से कि खामखाय अल्लाह ने भी रिस्क ले लिया आज से, प्रैक्टिस रोने की करता जा रहा था राह में, आएगी मरहूम की बीवी जो मेरे उम्र ही कितनी है तो है कमसिन, अभी सांत्वना के शब्द सारे मन में हम गढ़ते तभी, कि वो बिलखती चीखती आएंगी मेरे सामने, अश्रु पूरित नयन से मैं भी लगूंगा थामने, लेके बाहों में उन्हें फिर धीरे से पुचकारूंगा, जो हुआ अच्छा हुआ मैं तो यही कह जाऊंगा। सांत्वना के शब्द सुनकर खुल के फिर वो रोएंगी, अश्रु की बहती नदी में गम के लत्ते धोएंगी, हो कहेंगी हाय गुक्कज मैं तो विधवा हो गई, मैं कहूंगा जिंदा हूं जब तक नहीं तू होएगी, उसके और मेरे में आखिर आप क्यों करती फर्क, इस मुए मरहूम ने ही कब दिया तुमको सरक।
तो देखकर बच्चों की जानिब वो सिसक कर रोएंगी, अश्रु के दो चार टपके आंखों से वो खोएंगी, वो कहेंगी हाय बच्चों का जन्म अब साफ है, हम कहेंगे आज से समझो हम इनके बाप हैं। सांत्वना के सारे प्राणी मन में मेरे छा गए, सोचते ही सोचते मरहूम ये घर आ गए, पांव से जाती हुई धरती को मैंने धर लिया, सामने की सीन ने था ज्ञान मेरा हर लिया, ये मुआ मरहूम जिंदा ही खड़ा था सामने, लाश इसके बीवी की देखा लगा मैं आपने, हमारा तो सारा प्राणी उलट गया, हमने सोचा जब मृतक का लिंग ही उल्टा हुआ, पूर्ण सिचुएशन उलट दो मामला सिलटा हुआ, अम्बल जी से मैं सिपट कर जोर से रोने लगा, सांत्वना के शब्द का उल्टा प्रयोग होने लगा, अम्बल जी खाम खाम आप यूं रंगीन हो, मरने जाती भाग जाती इस तरह बलहीन हो, तुम कहां बीवी रखे थे तुमको बीवी ने रखा, खाम खा प्रतंत्रता पर रो रहे हो ऐ सखा, हम यहाँ कभी हैं हमें बीवी भी ना रख पाएगी, गैर के संग भाग जाए या स्वयं मर जाएगी, कुछ भी पहले भागती है कुछ भी भागे बाद में, सांत्वना हम क्या कहते हैं हम ही है साथ में। देखिए मैं अभी अपने हिसाब से मंच बना रहा, राजनीति कहां तक पहुंच गई, रामायण फूंकी जा रही है, कुरान को उल्टा पलटा कहा जा रहा है, स्वामीनाथ मौर्य जी जो है जब भाजपा उसमें थे बसपा में थे तो ये गांधी जी को गाली देते थे कि सीधी बहुत चला ली हम उल्टी चलाएंगे, मनुवादी समंदर औकात बताएंगे, नदियों की कमाई का मजा ये न उड़ाएंगे, हम पानी समंदर का नदियों में गिराएंगे, भूगोल बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, 99 के बाद हम 98 लाएंगे। एक दिन श्रीमान हरे मुरारी गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे, उल्टा सारा काम उल्टा। एक दिन श्रीमान हरे मुरारे गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे, हम नमस्कार कर इनकी ओर बढ़े थे, मैंने पूछा हुजूर यह योग है कि बीमारी, या गांधी की प्रतिमा के नीचे चल रही है किसी अनशन की तैयारी, हरे मुरारे बोले न ये योग है न बीमारी, न अनशन न अनशन की तैयारी, हम तो कर रहे हैं इस बात पर शोध कि नीचे से कैसा लगता है गांधी का लंगोट। मैंने पूछा कोई परिणाम कोई निष्कर्ष जनाब, हरे मुरारे बोले बहुत खराब, गांधी ऊपर से महान नीचे से महीन दिखता है, अरे उल्टा होकर देखिए गांधी कहां से दिखता है, हम तो धरातल के नेता हैं, हमको धरातल दिखता है, गांधी नीचे से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। मैंने कहा हुजूर सीधे हो जाइए, मैंने कहा हुजूर सीधे हो जाइए, अरे आपकी लुंगी उलट कर आपकी आंख पर आ गई है और आपकी दृष्टि आपके अपने लंगोट पर जा रही है, अरे आंधी को देखने वालों नंगी आंखों से आंधी को मत देखो, और गांधी को देखने वालों अपने लंगोट से गांधी को मत देखो, गांधी को देखने वालों अपने लंगोट से गांधी को मत देखो, गांधी को देखने वालों अपने लंगोट से गांधी को मत देखो। एक दिन चचा को देखकर सभी लोग शर्म से गड़े थे, चचा टोपी के नीचे नंगे खड़े थे, एक दिन चचा को देखकर सभी लोग शर्म से गड़े थे, चचा टोपी के नीचे नंगे खड़े थे, मैंने पूछा चचा यह प्रयोग है कि संयोग, इतनी उम्र में ऐसी नंगई क्या कहेंगे लोग, अरे आप इतनी जल्दी अपनी जमात में आ गए, अपने शरारतियों का तंबू जमा गए, चचा बोले आप हमें का गुरबत समझते हैं, अरे नंगे हैं तो क्या हुआ, नंगे से तो भगवान भी डरते हैं, दुर्योधन हमारे पूर्वज से हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, वो गांधारी के आगे नंगे नहीं हुए मारे गए, हम वहां भी नंगे हो जाएंगे, अनुसुईया भगवान के आगे नंगी होकर सती हो गई, और जनता जनार्दन हमारे परमेश्वर हैं, हम उनके आगे नंगे हुए तो आपको आपत्ति हो गई, क्या पूछते हो कब लगाएंगे, अरे नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, जंगल का राजा शेर इसीलिए किसी से नहीं डरता है क्योंकि वो जंगल में नंगा ठहरता है, हमको गाली और गांधी को गोली खानी है, दिगंबर क्या बचाएगा, गांधी को अपनी लंगोट बचानी है, कुछ बचाना माया का प्रवेश है और सब त्याग लेना वैराग्य का संदेश है, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाना है, न ऊपर लात है न जूता है सब यही खाना है, न ऊपर लात है न जूता है सब यही खाना है, न ऊपर लात है न जूता है बस 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 बस। एक
सकता है और सुना सकते हैं उसे आज में ही। देखिए शादी की पहली रात में पत्नी के क्या डायलॉग होते हैं और 8 साल बाद चेंजेस क्या आते हैं, आप नहीं सुनेंगे, सुनिएगा बहुत श्रेष्ठ डायलॉग। कि पावन परिणय की प्रथम रात गुद गुद करता संपूर्ण दांत, हिलेत हिलोरे दियवा का मध्यम बाती है दियवा का, सजनी के यौवन का प्रकाश चमके जैसे चंदाया काश, सहमत गर्भपत हिचकत मुसकत, कल्पना करिए सहमत गर्भपत हिचकत मुसकत, ही चला देखने नई विपत, कैतृषे नयन सजल निरखत पर खत जीवन आगत उजवत, घर धीर मगर पिए वाय धीर मुंह घट मुंह पर डाले गतीर। अब भाषा देखिएगा कि हे प्राण प्रिय हे मृगनयनी, हे चंदन तन हे प्रिय बैनी, हे सुमुख सुलोचन गजराई, भावी बच्चों की महतारी, तब पुण्य पुण्य तुम मैं पापी, अपने यौवन से तुम चापी, घूंघट पट खोल नास काटी, देखूं ससुरा घर की माटी, तू पुष्प बाग मैं तेरा कमर, खुल कर होने दे नयन समर, पागक रस अंजल भर टपका, मुझे उष्ण प्रदान करो लबका, तू सावन है मैं हूँ प्यासा, तू ग्रामर है मैं हूँ भाषा, तू तृप्ति है मैं भूखा हूँ, दे प्रेम धार मैं सूखा हूँ, तू शीतलता मैं पावक हूँ, तेरे पथ का मैं धावक हूँ, तेरे यौवन का टीका हूँ, फिर तेरे मैं तो ठीका हूँ, घूंघट पट जरा हटा प्यारी, देखूं मैं छवियारी न्यारी, तो घूंघट पट सर का वह बोली, वह जल तरंग स्वर की बोली, हे मेरे प्राण आधार दिया, तू राम मेरे मैं तेरी सिया, मैं सरिता हूँ तू नीर मेरा, मैं अस्मत हूँ तू चीर मेरा, मैं दिल हूँ तू दिलदार मेरा, मैं जनता तू सरकार मेरा, तेरे चरणों की मैं दासी, तू महादेव मैं हूँ काशी, जीवन सरिता में आलिंगन, मन से तू प्रेम मैं हो जीवन, पौरुष तेरा मेरे उपवन में, मन से घन बनकर जीवन में, तब तक पक्की लोका भी माटे दोनों जीवन टापी। अब 8 साल बाद पत्नी शुरू करती है, हे चरणदास जीवन काटा, तू पति है या जीवन घाटा, है फटी कमी ये कलुआ की, क्रमुआ की मांग है अलुआ की, चिकरू मिन चप्पल घूम रहा, समरू बुखार में झूम रहा, तू बालम है या निर्मोही, खाबा गुन ही मेरा द्रोही, तुम पल्लू मेरे यान बने, तुमसे अच्छे हैं कहीं गधे, पौरुष पति का भी लहराया, उसका माथे पर लहराया, मेरी रोटी पर बलती हो, मेरे निर्णय की गलती हो, मुंह देखा कभी छछूंदर सा, हर काम करेगी फूहड़ सा, तब तक पत्नी थी गुर्राई, आंखों में आंसू भर लाई, मेरी सुंदरता चर्चित थी, जितनी भी मेरी परिचित थी, तुम सा जीवन का जोंक मिला, यौवन रस सोखा हिला डुला, सुलगी जो आज सवेरे थी, वो रात तलक ही घेरे थी, सैया पर दंपत 36 थे, जब पद पलटा तो 33 थे, पद से मनवाई वह सठा, पत्नी भूमि तो 63 था, जब पत्नी ने मांगा माफी, तब वे बांटे जीवन टाफी, ऐसे ही रोज खिसकता था, जीवन रथ रोज घिसकता था, फिर हुआ सवेरा वही बात, फिर से गुस्से में पिसा दांत।